हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फोन फिक्स हैदराबाद। अभी अपने पास है एक सैमसंग का 127 का मोबाइल है और इसके अंदर जो प्रॉब्लम है ग्राफिक एंड लाइटिंग रिलेटेड का इशू है। इसके अंदर कोई ग्राफिक नहीं आ रहा है, तो यहाँ मैं चार्जर लगा रहा हूँ। तो यहाँ चार्जिंग लगा दिया अपन, तो यहाँ अपने को 1.3 एम्पियर यहाँ ले लिया, मगर इसके अंदर कोई भी टाइप ऑफ ग्राफिक शो नहीं कर रहा और लाइटिंग भी कुछ भी शो नहीं कर रहा। तो यहाँ चेक करेंगे इस मॉडल के अंदर प्रॉब्लम क्या है। पहले अपन रिपेयर करेंगे, ग्राफिक सेक्शन रिपेयर करेंगे, उसके बाद ही अपने लाइट रिपेयर करना है। तो इसके अंदर देखेंगे कौन सा आईसी लगा हुआ है, क्या चीज़ लगा हुआ है, तो सर्किट को देखेंगे और इस डायग्राम को तो यहाँ देखेंगे 125 का मॉडल है। 125 का मॉडल से ये मैच करता, तो सैमसंग एलसीडी सेक्शन यहाँ ओपन करेंगे और यहाँ देखेंगे अपन करेक्टर के पास। कभी भी आप कोई भी ग्राफिक सेक्शन रिपेयर कर रहे हैं तो पहले ये देख लेना है आपको, यहाँ फर्स्ट ये चेक करना है, कूल टेस्टिंग करना है। और कूल टेस्टिंग पहले करना है मीपी लाइंस के ऊपर, एमआईपीए के जितने भी लाइंस आ रहे हैं। तो यहाँ देखिए ऊपर की तरफ 4 लाइन आ रहा है, नीचे की तरफ अपने को 6 लाइन आ रहा है। तो ये पहले ये 10 लाइन को चेक करेंगे, यहाँ अपने को जीआर वैल्यू ओके या नहीं है। तो यहाँ देखेंगे इसके अंदर अपने को डायोड मोड के अंदर सेट करेंगे और यहाँ चेक करेंगे अपन 445 जीआर आ रहा है। यहाँ भी 445 है, यहाँ भी अपने 445 है, यहाँ भी अपने 445, यहाँ भी अपने 445, यहाँ भी 445। नीचे का 6 लाइन तो ओके है। उसके बाद यहाँ देखेंगे यहाँ भी अपने को 445 और यहाँ देखेंगे 445 और यहाँ भी 445, यहाँ भी देखेंगे 445। तो यहाँ तक अपने को नीचे का 6 लाइन ओके है और ऊपर का जो है 4 लाइन है ये भी अपने को ओके है। 10 लाइन जो है सीपीयू से आने वाले लाइन ओके है अपने को। और उसके बाद नेक्स्ट चेक करेंगे यहाँ जो एलसीडी ID1 आ रहा है, ID2 आ रहा है और ID3 आ रहा है। और साथ ही साथ जो है यहाँ ऊपर की तरफ देखेंगे रिसेट का लाइन आ रहा है और VDD 1.8 AP से आ रहा है और VDD LCD 1.8 आ रहा है। ये सारे लाइन के ऊपर अपन GR चेक करेंगे और यहाँ फर्स्ट चेक करेंगे, यहाँ जो है 4 नंबर और 6 नंबर पे ऊपर से देखें 2 पॉइंट के अंदर ये लाइन्स को चेक कर लेंगे, LCD ID वाले लाइन। और यहाँ देखेंगे यहाँ भी अपने को 429 GR आ रहा है और यहाँ भी देखेंगे 429 GR आ रहा है। ये भी लाइन सबने ओके। और उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे अपन जो ID3 का लाइन है, ID3 का लाइन देखेंगे यहाँ से लेके अपने को 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 नंबर पे लगा हुआ है। तो यहाँ जाके देखेंगे जो इसका 18 नंबर के ऊपर जाके देखेंगे इसका पिन के ऊपर यहाँ भी अपने को GR आना चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। यहाँ जाके देखेंगे यहाँ भी अपने को 418 GR आ रहा है, ये भी लाइन अपने को ओके। और उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे अपन यहाँ रिसेट का लाइन आ रहा है, तो रिसेट का लाइन 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 नंबर पे आ रहा है। तो 10 नंबर पे अपने को रिसेट का लाइन आ रहा है, इसका भी GR ले लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो यहाँ भी अपने को GR वैल्यू ओके है। और उसके बाद LCD का 1.8 देखेंगे तो यहाँ से लेके अपने को 4, 5, 6, 7 नंबर पे, तो 7 नंबर पे अपने को GR वैल्यू होना चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ भी अपने को GR वैल्यू ओके। तो अभी ये चेक करेंगे अपन यहाँ VSP और VSN की कनेक्शन देखेंगे और ऊपर की तरफ लगा हुआ है अपने को VSN का कनेक्शन लगा हुआ है, नीचे की तरफ लगा हुआ है VSP का 5 वोल्ट का कनेक्शन लगा हुआ है। तो यहाँ जाके चेक करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 नंबर पे अपने को VSP कनेक्टेड है। तो 15 नंबर पे जाके पहले चेक करेंगे यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 नंबर पे देखेंगे यहाँ अपने को GR वैल्यू
मिल रहा है ए बी लाइन अपने को ओके। और उसके बाद ऊपर का लाइन देखेंगे, वी एस पी का लाइन जो है ऊपर से लेके अपने को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 14 नंबर पे अपने को वी एस एन कनेक्टेड है। तो यहाँ जाके देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 and 14। तो यहाँ देखेंगे यहाँ कोई जी आर वैल्यू नहीं मिल रहा है। ये ब्लैक प्रोप से कभी भी आप चेक कर रहे हैं तो यहाँ जी आर नहीं मिलेगा, प्रोप को जो है रिवर्स करके चेक करना है आपको। जैसा मैं यहाँ प्रोप को बदल दिया तो यहाँ जाके चेक करेंगे 14 वाला नंबर के ऊपर, तो यहाँ अभी भी अपने को जी आर वैल्यू नहीं मिल रहा है। मतलब इसका वी एस एन का लाइन जो है अपने को आई सी का आउटपुट का लाइन है, तो आउटपुट से यहाँ लाइन क्या हो रहा है, ये ओपन हो रहा है। तो इसके बीच में मैं तो ये देखा था, इसके बीच में जो है अपने को यहाँ चेक करेंगे कोई भी टाइप ऑफ सीरीज कंपोनेंट कनेक्टेड है क्या, यहाँ से लेके अपने को पैरेलल में क्या पा रहा है, और साथ ही साथ ये डायरेक्टली जो है अपने को आईसी से डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो ये वी एस एन का लाइन जो ओपन है अपने को यहाँ देखेंगे, इस लाइन जो है अपने को ये आईसी से डायरेक्टली निकालने वाला लाइन है। मतलब ये वाला आईसी से डायरेक्टली ये आईसी से इन से ये ओपन हो गया, तो अपन इसको आईसी को रिमूव करेंगे, रिमूव करके चेक करेंगे और फर्स्ट आईसी को रिमूव कर लेंगे। ये वाला कनेक्शन जो है अपने को आईसी का जो है वी एस एन का लाइन आईसी का जो है ए वन की पिन के साथ कनेक्टेड है। तो यहाँ देखेंगे ये जब आईसी अपन निकाल दिए तो यहाँ कनेक्टर से लेके अपने को ए वन तक का जो है कनेक्टिविटी अपने को ओके रहना चाहिए। और ये चीज़ चेक करने के लिए मैं यहाँ एक छोटा सा जम्पर कर देता हूँ ताकि जो है अपने को कनेक्टर बैक तरफ है, अगर अपन आईसी फिर भी अपन आईसी डाले उसके बाद भी अगर सेम इश्यू आ रहा है तो हमारे को कंफर्मेशन ये मिलता है। यहाँ इंटरनली ट्रैक अगर ओपन है तो अपन यहाँ जम्पर कर सकते हैं लेके। तो पहले तो ये देखेंगे, इसका एक छोटा सा जम्पर लेंगे, जम्पर लेके जो है यहाँ से लेके अपने को यहाँ से कनेक्टिविटी जो है ये वाला पॉइंट के ऊपर आ रहा है, तो इसके ऊपर ये वाला कैप से लेके अपने को सीधा कनेक्टिविटी यहाँ से लेके अपने को कनेक्टर तक का कनेक्टिविटी ओके रहना चाहिए। नीचे से लेके ये 14 नंबर का पिन के ऊपर आ रहा है। तो यहाँ मैं एक जम्पर के ऊपर, यहाँ कनेक्टर के ऊपर, ये जम्पर के ऊपर लगा दिया और एक कनेक्शन जो है यहाँ अपने को 14 नंबर के ऊपर चेक करना है। यहाँ से लेके 1 या डायरेक्टली आप ऐसा कनेक्ट कर दिए तो यहाँ चेक कर सकते हैं, यहाँ तक अपना कनेक्टिविटी जो है आ रहा है। मतलब यहाँ तक कनेक्टिविटी अपने को ओके है, मतलब आउटपुट आईसी से ड्राई होके निकल गया ये। मतलब यही वाला आईसी को अपन रिवॉल्व करके अगर फिक्स करें तो यहाँ से प्रॉब्लम
फिक्स हो सकता है अपना, वहाँ जी आर वैल्यू आ जाए तो आईसी को यहाँ चेंज करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अभी तो अपन इसको यही वाला आईसी को रिवॉल्व करके चेक करेंगे, अगर उसके बाद भी जब काम नहीं हो रहा है, जब कोई वोल्टेज नहीं बन रहा है आउटपुट के अंदर, अपने को कुछ टाइप ऑफ वोल्टेज कुछ भी नहीं मिल रहा है, जब जाके अपन आईसी को चेंज करने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ देखेंगे आईसी के ऊपर अपने को यहाँ जी आर वैल्यू मिल रहा है, जैसा मैं ग्राउंड से टचअप करके यहाँ चेक कर रहा हूँ, तो यहाँ मेरे को जी आर वैल्यू 900 का जी आर वैल्यू आईसी के पॉइंट पे चेक कर रहा हूँ, ताकि आईसी डालने के बाद अपने को 100% यहाँ जी आर वैल्यू आना चाहिए। तो यहाँ देखेंगे आईसी को रिवॉल्व करेंगे,
जैसा आईसी अपना फिक्स हो गया, आईसी को फिक्स कर दिए, तो यहाँ चेक करेंगे अपन ये वाला लाइन के ऊपर अपने को जीआर मिलना है अपने को। यहाँ में ब्लैक रोप लगाया तो यहाँ कोई जीआर नहीं मिलेगा, इस वजह से रिवर्स करके देखेंगे तो यहाँ अपने को जीआर मिलना चाहिए। तो यहाँ देखेंगे अपने को 617 का जीआर मिल रहा है, मतलब ये वाला फोन अपना ओके हो गया। तो चेक करेंगे अभी अपन, यहाँ देखेंगे चार्जर लगा के देखेंगे, जैसा चार्जिंग के अंदर यहाँ 1.4 एम्पियर तो ले लिया, और पीछे की तरफ देखेंगे मगर यहाँ कोई डिस्प्ले नहीं आया। तो ये चीज चेक करेंगे इसके अंदर सारा वोल्टेजेस ओके है या नहीं। -5 का वोल्टेज तो अपने को बन गया, और नीचे की तरफ है इसका +5 का वोल्टेज बनना चाहिए, मतलब इसका +5 का वोल्टेज भी यहाँ बन रहा है अपने को। और यहाँ ये दो लाइन भी अपने को ओके है। और नेक्स्ट जाके चेक करेंगे जो डायोड की आउटपुट के अंदर देखेंगे, ये अपने को ये वाला वोल्टेज भी अपने को बन के बंद हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ चार्जर लगा के फिर से एक बार मैं ये वाला लाइन के ऊपर लगाया, तो यहाँ वोल्टेज जो है बन के जो है ड्रॉप आउट कर रहा है, मतलब इसके अंदर हो सकता है डिस्प्ले भी खराब। और उमर एक डिस्प्ले ला लेना। कौन सा है सर डिस्प्ले? 127 का है ये वाला मॉडल का डिस्प्ले, एक ला लेना, ठीक है। तो अभी मैं इसका दूसरा डिस्प्ले भी मंगाया, तो चेक करेंगे यहाँ डिस्प्ले दूसरा लगा के यहाँ से कनेक्ट कर देंगे इसको, और उसके बाद जैसा चार्जर को लगाएंगे, और यहाँ अपना एम्पियर ले लिया, और यहाँ देखेंगे यहाँ अपने को ग्राफिक और लाइटिंग आना चाहिए। एक मिनट, हाँ ठीक है, वो कनेक्टिंग दिख रहा है यहाँ इसका ग्राफिक का चार्जिंग वाला सिंबल आ गया। अब इसके अंदर चार्जिंग वेरी लो है तो ये बताएगा अपने को, जैसा इसका पॉइंट्स बढ़ रहा है तो बताएगा। ये आ गया अपने को, दिख रहा है आपको चार्जिंग जो जल रहा है, ग्राफिक भी आ गया और लाइटिंग भी आ गया, मतलब अपना फ़ोन यहाँ से ओके हो गया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, और हमारा नेक्स्ट बैच जो है 27 से स्टार्ट है। इस टाइप ऑफ आपको लाइन्स का चेकिंग करना है, प्रॉपरली रिपेयर करना है, ये सारा चीज़ आप सीखना है तो आ सकते हैं फ़ोन फिक्स हैदराबाद। आपको सॉफ्टवेयर के अंदर भी अभी जो है हमारे पास UFS का भी ट्रेनिंग दे रहे हैं, और UMMC का चेंजिंग का, UFS चेंजिंग का, पी प्रोग्रामिंग का, सारा कुछ आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं, और ब्लैक पेस्ट, वाइट पेस्ट, ड्यूअल टेकर, ये सारा चीज़ प्रैक्टिकली आपको बताते हैं, और लाइन ट्रेसिंग चेकिंग मेथड वेरी इजी मेथड के अंदर आपको प्रैक्टिकल्स बताते हैं। अगर आपको ज्वाइन करना है तो ऊपर दिया हुआ नंबर पे कॉल करो। थैंक यू वेरी मच।